फ्रेंड फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड हमारे चैनल पे डेली आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल की थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। देखिए थ्योरी क्लासेस का मेन रीज़न ये होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीसी मशीन का पार्ट टू है, और डीसी मशीन का पार्ट वन हम लोगों ने जो है यहाँ पे कंप्लीट किया था, जिसमें डीसी मशीन का क्या कार्य होता है इसको हम लोगों ने जाना, डीसी मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं इसको हम लोगों ने जाना, और डीसी मशीन में ही स्टेटर पार्ट को हम लोगों ने जाना, स्टेटर पार्ट के अंदर हम लोगों ने जाना, स्टेटर पार्ट के जो कार्य होते हैं उनको हम लोगों ने जाना। तो आज हम लोग यहाँ पर डीसी मशीन के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं इनको कवर करेंगे, प्लस जो पार्ट्स बचे हैं इनका क्या कार्य होता है, इनका फिगर क्या हो कैसे बना होता है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोगों ने अगर बिहार पीसीएल की तैयारी के लिए लगे हैं या यूपी मेट्रो या एमपीपीजीसीएल की भर्ती आई है, एनवीएस की आई है, एएलपी की भर्ती आई है, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड करके फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को थ्योरी एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। थ्योरी देखिए एक ऐसा पैटर्न होता है, जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी जो भी आपको बताए जाएंगे वो सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना है और कॉपी पेन लेकर नोट्स करना है, ठीक है। जब आप नोट बनाएंगे तभी जाके आप क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर आप लोगों के सामने बनाया है, फिगर तो सही नहीं बन पाया है लेकिन आप लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यह हमारा जो फिगर बनाया गया है ये हमारा आर्मेचर होता है, ये आपको ध्यान देना है, और ये हमारा जो है दिक परिवर्तक या कम्यूटेटर होता है, ठीक है। आर्मेचर का काम ये होता है कि जनरेटर में जो भी गतिशील भाग होते हैं, ठीक है, वो हमारे आर्मेचर कहलाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। किसमें? जनरेटर में, जनरेटर में जो डीसी मशीन में जो भी गतिशील भाग होते हैं वो क्या होते हैं, वो आर्मेचर कहलाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है डीसी मशीन में, ठीक है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, इसके कोर की मोटाई की बात करें तो आर्मेचर की, तो यह 0.3 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे थ्योरिकल के रूप में समझेंगे और इसके क्या क्या पार्ट्स कैसे होते हैं ये सारा हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए आर्मेचर जो होता है फ्रेंड, यह आर्मेचर हमारा यहाँ पे दिया गया है और आर्मेचर के जो ये पार्ट्स आपके सामने ये दिए गए हैं, ठीक है, ये आपके सामने जो घुमाव दिया गया है ये हमारा क्या होता है, दिक परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर होता है, जो आगे रोटेट करता है। खैर इसको आगे हम लोग अभी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये देख सकते हैं ये हमारे खांचे दिए गए हैं, ये आपके सामने जो खांचे बने हुए हैं ये हमारे क्या हैं, खांचे दिए गए हैं। बाकी ये हमारे पटलित क्या होते हैं, कोर होते हैं, ये हमारे जो कोर दिए गए हैं ये सारे होते हैं। इसी कोर की मोटाई पूछा गया है तो यह 0.3 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई होती है, जो आपके सामने कोर में दिया गया। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आप लोग को दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, जी हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो आइए अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि आर्मेचर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। तो देखिए डीसी मशीन में जो भी गतिशील भाग होते हैं, किसमें, डीसी मशीन में, डीसी मशीन में गतिशील भाग, गतिशील भाग क्या होता है, आर्मेचर कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, ठीक है। यह क्या होता है, आर्मेचर कहलाता है, यह आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके जो पटलित कोर होते हैं आर्मेचर में जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका कोर होता है, कोर की मोटाई, ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है कि आर्मेचर में
आर्मेचर में पटलित कोर, पटलित कोर की मोटाई, की मोटाई 0.3 मिलीमीटर से क्या होता है, 1.5 मिलीमीटर होता है। कितना? 1.5 मिलीमीटर तक होता है, तक होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यह हमारा जो आर्मेचर होता है, यह डीसी मशीन के गतिशील भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। गतिशील मतलब जो चलने वाला भाग होता है, ठीक है, इसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। और उसके बाद आर्मेचर में जो पटलित कोर होता है, ये हमारे जो कोर दिए गए हैं, पटलित कोर क्या होते हैं, जब ये चलते हैं तो ये पट करते रहते हैं, ठीक है। इसी पटलित कोर की जो मोटाई पूछी गई वो 0.3 मिलीमीटर से आप लोगों को ध्यान ये देना है कि 1.5 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई होती है, ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। और यह अगर हम पूछे, अगर इसको हम जाने तो यह चुंबक या चुंबकी या आप कह सकते हैं शीलता व स्टील की क्या होती है, पट्टियों द्वारा बनाई जाती है। यह चुंबक शीलता या फिर पट्टियों द्वारा, स्टील की पट्टियों द्वारा बनाई जाती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यह स्टील की पट्टियों द्वारा बनाई जाती है। ये हमारी जो छोटी छोटी पत्तियां दी गई हैं, ये क्या होती है, स्टील की बनाई जाती हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यह स्टील की पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, स्टील की पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि यह प्रत्येक पत्ती जो होती हैं, प्रत्येक पत्ती क्या होती हैं, वार्निश की पतली परत के द्वारा जो है क्या होती हैं, बनाई जाती है। मतलब इस पे क्या होता है, हम इस पत्ती पे जो है वार्निश की जो है पतली परत चढ़ाते हैं, इसलिए कि इस पे जो है क्या होता है कि आर्मेचर जो हमारा होता है वो पत्तियाँ खराब ना हों, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि यह पत्तियों पर क्या होता है, वार्निश की पतली परत चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, इस पे ऐसे ध्यान दीजिए कि यह पत्ती पर वार्निश की पतली परत चढ़ी होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा चलिए ठीक है, अब ज़्यादा नीचे यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। ऐसे आपको ध्यान देना है कि इस पर क्या होता है, पत्तियों या स्टील की पत्ती पर वार्निश की पतली परत चढ़ाई जाती है, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और उसके बाद जो है आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसी पे जो है मैंने कल की जो भी आपकी क्लासेस थी उसमें ज़्यादा मैंने डीपली आप लोगों को जो है नहीं बताया था आर्मेचर बारे में, इसलिए कि सेकंड पार्ट में इसको हमें यहाँ पे करना था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यह हमारा क्या होता है, इसमें जो है अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करने का गुण होता है, यह भी ध्यान देना है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न से, ऐसे आपको ध्यान देना कि यह आर्मेचर में चारों ओर लगे मैग्नेटिक पोल में उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न से आर्मेचर घूमने लगता है, ऐसे आपको ध्यान देना है। इसमें उच्च चुंबकीय क्षेत्र
से आर्मेचर घूमने लगता है। ठीक है, इसमें उच्च चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, आर्मेचर हमारा जो है घूमने लगता है। यह भी आप लोगों को ध्यान देना है। जब भी मोटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के चारों ओर क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल को उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर घुमाते हैं, तो ठीक है ऐसे आपको ध्यान देना है। खैर यहां पे हमारा जो है, अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा क्या बच्चा है, कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर का क्या काम होता है इसे हम लोग यहां पे जानेंगे और एक एक चीजों को यहां पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कम्यूटेटर को जानेंगे और उसके बाद जो है यहां पे कम्यूटेटर, ये आप देख सकते हैं फिगर में यहां आपके सामने बनाया गया है। ठीक है, कम्यूटेटर आपके सामने यहां पे बनाया गया है और इसे आप फिगर में देख भी सकते हैं कि कम्यूटेटर जो होता है फ्रेंड, यह दिक परिवर्तक भी बोल सकते हैं और यह आर्मेचर की सॉफ्ट पर लगा होता है, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं ये आर्मेचर के सॉफ्ट पर ही लगा होता है। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं जो भी इसका पावर जो भी होता है, विद्युत पदार्थ यहां पे लगा होता है, ये हमारा विद्युत पदार्थ दिया गया है और ये हमारी एक कुंजी होती है जिसको क्या करता है, ये दिक परिवर्तक को रोटेट करता है और ये हमारा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पर ही हमारा क्या होता है, ये पार्ट्स हमारे लगे होते हैं और ये तांबे का जो है खंड लगा होता है, मतलब टुकड़ा लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा हब होता है, बोर होता है, जिसपे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे विद्युत पदार्थ को लगाने के लिए जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेकेंड नंबर पे दिक परिवर्तक या कम्यूटेटर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक, यह क्या होता है, दिक परिवर्तक जो है आर्मेचर की शाफ्ट पर लगाया जाता है। ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है कि आर्मेचर, आर्मेचर की सॉफ्ट पर दिक परिवर्तक को लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे लगाया जाता है ये भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है जो आर्मेचर में घूमता है वो हमारा दिक परिवर्तक होता है, ये भी आप लोगों को ऐसे ध्यान देना है। और इसका उपयोग आर्मेचर में वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रेरित धारा को के बाहरी परिपथ में भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग जो है कहाँ पे करते हैं, आर्मेचर में वाइंडिंग में। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है कि इसका प्रयोग आर्मेचर में, इसका प्रयोग आर्मेचर में वाइंडिंग प्रेरित धारा भेजने के लिए किया जाता है। ऐसे आप समझिए, भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि यह या इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग आर्मेचर में वाइंडिंग प्रेरित धारा या फिर वाइंडिंग आर्मेचर में बाहरी वाइंडिंग प्रेरित धारा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है नीचे, जी हाँ। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर अगर इसके आकार की बात करें तो यह आकार या इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यह तांबे के बने होते हैं और इसका आकार वी टाइप से होता है।
ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दिक् परिवर्तक का जो आकार होता है वो किस टाइप सा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यह कठोर तांबे का बना होता है, ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह कठोर तांबे का बना होता है, बना होता है और यह वी आकार के खंड या टुकड़े में बना होता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यह वी आकार का बना होता है, किस लिए यह भी जरूरी है कि यह मशीन के घूमने पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, ठीक है। यह मशीन के घूमने पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, क्यों, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, वी आकार का होता है, ठीक है। यह भी ध्यान देना है, यह मशीन के घूमने पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, ठीक है। ये यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है। यह मशीन के जो भी यहाँ पे वी आकार के वजह से यह मशीन के घूमने पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, थोड़ा सा जी हाँ ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। घूमने पर जो है अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है और यह खंड क्या होता है, बाहर भी नहीं निकलता है। वी आकार का जो खंड होता है यह बाहर भी नहीं निकलता है, ठीक है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसे हम देखें तो यह उभरा हुआ पार्ट भी होता है जो हमारे यह तांबे में दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो तांबे का जो पार्ट दिया गया है फ्रेंड, ये हमारा जो है यहाँ पे आप लोगों को सामने जो है ये तांबे का जो है खंड टुकड़ा दिया गया है और यह मतलब बाहरी पार्ट होता है और इसका आकार भी यहाँ पे जो है वी आकार का, ये देख सकते हैं ये हमारा वी आकार का यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसी से जुड़ा होने की वजह से यह मशीन के घूमने पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है और यह बाहरी भाग होता है और यह उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइजर भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। जो हमारा दिक् परिवर्तक होता है इसका दूसरा नाम भी राइजर होता है, ऐसे आप लोगों को ध्यान देना। और यह वाइंडिंग से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ी हुई होती है, ऐसे भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी आपके पार्ट्स होंगे वो छोटे ना, ठीक है। यह ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, यह आर्मेचर वाइंडिंग से जुड़ी होती हैं, ठीक है, और इसे राइजर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे राइजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम राइजर भी होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, दिक् परिवर्तक में दिया गया है, ठीक है। ये उभरे हुए भाग, ये
दिक परिवर्तक नहीं कह रहा है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि आप लोग दिक परिवर्तक कहिए। ये जो हमारा तांबे का जो खंड होता है, जो वी आकार का होता है और ये उभरा हुआ भाग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं, ठीक है ना, कि दिक परिवर्तक को कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, और यह तांबे का ही टुकड़ा होता है। तो कहने का ये है कि आप लोगों के जो भी पार्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे डीसी मशीन के सेकेंड पार्ट में, आप लोगों को आर्मेचर और दिक परिवर्तक कम्यूटेटर, मतलब इसको बताया गया है, दिक परिवर्तक को ही हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी डीसी मशीन के पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। बाकी फ्रेंड, डीसी मशीन के और डीपली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाइए फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए, या फिर मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं और अपना जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज का जो है हमारा डीसी मशीन का चैप्टर था। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी डेली मैं आप लोगों को जो है थ्योरी और एमसीक्यू क्लासेस लेके आता रहता हूँ। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।